ओम ंदनंजना शिला श्री गुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण एंड वेलकम ऑल द रिबोटीज तो हम सेवेंथ चैप्टर कर रहे हैं भगवदगीता का पंद्रहवा श्लोक हमने स्टार्ट कर दिया था और पर पर थोड़ा सा किया था हमने थोड़ा सा बचा है तो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन तरीके के लोग होते हैं कौन कौन से जो भगवान के पास नहीं जाना पसंद करते हैं। जो आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में भरे हुए हैं इस तरीके के लोग तो उसकी चार कैटेगरीज बनाई थी कृष्णा ने बताई है वो तो पहली कैटेगरी है मूढ़ा मतलब जो ग्रॉसली है वो नहीं जाते भगवान के पास अब हम बाकी तीन कैटेगरीज पहले देखेंगे फिर हम डिस्कशन करेंगे सारे ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड कैटेगरी तो कौन वॉलेंटियर करेगा इसको पढ़ने के लिए आई कैन रीड हाँ पढ़ो आप प्लीज another class of dushkrit or miscreant is called the na naradhama or the lowest of mankind Nara means human being and adhama means the lowest out of the eight, um, 84 lakh different species of living beings there are 4 lakh human species out of these, there are numerous lower forms of human life that are mostly uncivilized. The civilized human beings are those who have regulative principles of social, political, and religious life. Those who are socially and politically developed but have no religious principles must be considered Naradhamas. Nor is religion without God religion, because the purpose of following because the purpose of following religious principles is to know the Supreme Truth and man's relation with Him. In the Gita, the personality of Godhead clearly states that there is no authority above Him and that He is Supreme Truth. The civilized form of human life is meant for man's reviving the lost consciousness of His eternal relation with the Supreme Truth, the personality of Godhead, Sri Krishna, who is all powerful. क्या बात हो रही है यहाँ पे हाँ अलग अलग तरीके के मिस्क्रियंट की बात हो रही है पहले मूढ़ा की बात हुई अभी दूसरे कैटेगरी के लोग जो है उनको कहते हैं नर धमा तो नर नरों में जो लोगों में सबसे अधम अधम मींस है तो जो लोगों में सबसे अधम है इसका मतलब यह है कि स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होते व्यक्ति जो सारी की सारी लिविंग एंटिटीज हैं उनको चौरासी लाख योनियों में डिवाइड किया जाता है सारे के सारे लिविंग बींग्स को क्लासीफाई कर सकते हो आप एट्टी फोर लाख स्पीशीज या एट पॉइंट फोर मिलियन स्पीशीज और इनमें इंसानों की चार लाख स्पीशीज हैं फोर हंड्रेड थाउजेंड स्पीशीज ऑफ इन ह्यूमंस और ये जो ह्यूमंस की स्पीशीज है ये किस बेसिस पे है ये कॉन्शियसनेस लेवल के बेसिस पे है कईयों की स्पिरिचुअली एडवांस्ड कॉन्शियसनेस है कईयों की स्पिरिचुअली लोअर कॉन्शियसनेस है तो जो एडवांस्ड कॉन्शियसनेस है जिसकी वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड है जिसकी लो कॉन्शियसनेस है वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं है तो जो लोअर कॉन्शियसनेस वाले हैं वो भगवान के बारे में ज्यादा समझ नहीं पाते ठीक है ना वो अनसिविलाईज है हालांकि देखने में लगे बड़े सिविलाइज हैं कपड़े अच्छे पहने हुए हैं अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं घर में रह रहे हैं लेकिन भगवान के बारे में अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब वो स्पिरिचुअली बहुत वीक है स्पिरिचुअली बहुत लो है स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है और वो एक्चुअली अनसिविलाइज है कैटेगरी की -की में आउट ऑफ दीज देर आर न्यूमरस लोअर फॉर्म्स ऑफ ह्यूम लाइफ आर मोस्टली अन्य असली सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है कि लाइफ में प्रिंसिपल होने चाहिए कि कैसे हमें जिंदगी अपनी जीनी है वो सही मायने में सिविलाइज्ड है No थमा। तो देखने में चाहे वो सोशली पॉलिटिकली लगे यहाँ तो मेच्योर है रिलीजियस नहीं है तो उसका फिर भी वो नराथ हमा की कैटेगरी में आ सकते हैं इजिली फिर आगे बता रहे नॉल इज द रिलीजन विदाउट गॉड रिलीजन अगर कोई रिलीजन भी फॉलो करे लेकिन भगवान की कोर्स में ज्ञान नहीं है नॉलेज नहीं है ऐसा रिलीजन सही मायने में रिलीजन है नहीं कई बारी वेदों के अंदर से और इवन दूसरे धार्मिक रिलीजन के अंदर से बुद्धिज्म जैनिज्म इनके फॉलोअर्स इवन वेदों के कई बार फॉलोअर्स ओरिजिनल नहीं लेकिन ढोंगी फॉलोअर्स वेदों के वो लोग ये कंक्लूजन में आते हैं कि भगवान कुछ है ही नहीं इधर उधर की मीठी मीठी बातें करते हैं अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं हम बोलेंगे सारे लोग कहेंगे हाँ यार ये देखो कितनी अच्छी बात करी है इन्होंने और उसके बाद भगवान के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करते कोई बात नहीं करते भगवान को बिल्कुल पिक्चर में लाते ही नहीं है ऐसा रिलीजन सही में कोई रिलीजन है नहीं ये लोअर लेवल का ही है ये रिफाइंड साइंटिफिक रिलीजियस प्रोसेस कंसिडर नहीं कर सकते इसको और यहां बताया गया है कि पर्पस क्या है रिलीजन का असली पर्पस है भगवान को जानना भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, है उसको रिवाइव करना फिर आगे बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान क्लियरली बताते हैं कि उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी है नहीं और वो सुप्रीम है और जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं जो एडवांस ह्यूमन बीइंग्स हैं कॉन्शियसनेस में जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं वो इसको समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो भगवान के साथ अपना कनेक्शन रीएस्टैब्लिश करने के लिए रिवाइविंग द लॉस्ट कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम लॉर्ड ऑल पावरफुल ऐसे व्यक्ति के साथ और जो भी ये चांस मिस कर जाए जाएजेज दिस चांस इज क्लासिफाइड वे एज एज अ नराधमा तो हमें कोशिश करना है कि हम बिल्कुल भी मिस ना करें ये ह्यूमन लाइफ का चांस अभी हमें मिला है तो उसको अच्छे से यूटिलाईज करो

बहुत नॉलेज मिलती है ज्ञान मिलता है यह भी बताया जाता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में बच्चे की कैसे बॉडी ग्रो करती है womb के अंदर, पहले महीने में क्या वो ग्रो होता है दूसरे महीने में क्या ग्रो होता है तीसरे महीने में क्या, होता है, महीने में क्या होता है ग्रो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड करती है ये एम्ब्रियोलॉजी के साथ जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी अगर आप देखें तो शास्त्र ये बताते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है और ब्रेन में भी जो उसके माइंड में क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर भी हिंट करते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो चाइल्ड होता है वो डोरमेंट स्टेज से बाहर आ जाता है वो ज्यादा अवेयर होने लग जाता है कि क्या हो रहा है और इस स्थिति में धीरे धीरे वो भगवान से प्रार्थना करता है भगवान से प्रार्थना करना नेचुरल है हर जीव के लिए ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है हम देखते हैं कि हम लोग अचानक प्रार्थना करते हैं जब तकलीफ का समय आता है तो ऐसे क्यों होता है ये नेचुरल है जब गर्भ में भी थे हम तब भी कभी हम देखते हैं कि बच्चा ऐसे भगवान से प्रार्थना करता है और ये प्रार्थना की स्थिति जब होती है तब वो कहता है कि भगवान मैं आपके साथ कनेक्शन अपना रि एस्टेब्लिश करूंगा वो और जब मैं इस स्थिति से बाहर आऊंगा तो अच्छे से आपकी सेवा में लगूंगा लेकिन जब वो बाहर आता है तो बाहर की सिचुएशन में वो इतना ज्यादा बिजी हो जाता है इतनी दूसरी दूसरी चीजों में छोटा बच्चा उसकी पहली सी स्थिति बेटर हो गई अब पहले तो वूम के अंदर एक छोटी सी जगह डार्क अपसाइड डाउन हेड पड़ा हुआ है वहां पे और अब बाहर आ गया तो बाहर आने के बाद अगर उसको एनवायरमेंट ऐसा ना मिले तो वो बड़ी बड़ी भूल जाता है और फिर दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है और इसको कहते हैं माया जो इल्यूजरी एनर्जी उसको डिस्ट्रैक्ट करती ओके कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? कौन वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा एनीबॉडी? ओके okay, मैं पढ़ता हूँ हाँ पढ़ो आप। आ, आ तो आपका क्वेश्चन है राशि का रशी का आवाज नहीं आ रही नो नो आई कैन रीड हाँ पढ़ो आप पढ़ो थोड़ी लाउड नहीं पढ़ना ये जो मैंने शेड किया है ना वो पढ़ना इट इज़ द ड्यूटी हाँ जी ओके इट इज़ द ड्यूटी ऑफ़ द गार्डियंस ऑफ़ चिल्ड्रन टू रिवाइव द डिवाइन कॉन्शियसनेस डोरमेंट इन देम द टेन प्रोसेसेस ऑफ़ रिफॉर्मेटरी सेरेमनीज़ एस इन्जॉयिंग इन द मनुष्यति

उनको उनकी जो भी सेवा कर रहे हैं बच्चों की चाहे उनके माता पिता हो चाहे कोई उनको टीचर हो या जो भी गार्जियन है उनके उनकी ये ड्यूटी है कि बच्चों को ऐसे अभ्रंगे की जाए कि भगवान की जो भगवान से जुड़ने के नेचुरल इंक्लिनेशन बच्चों की है वो रिवाइव हो सके बच्चों की दिव्य चेतना जो है वो अंदर डोरमेंट पड़ी हुई है बंद तरीके से पड़ी हुई है उसको खोलना है उसको जगाना है और यहां बताया है कि शास्त्रों में मनुस्मृति वगैरह में अलग अलग प्रोसेस भी दिए हुए हैं रिफॉर्मिटरी सेरेमनी संस्कार ये सब दिए हुए हैं धीरे 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 उनको फॉलो करने का क्या पॉइंट होता है उनको फॉलो करने का ये पॉइंट है कि ये गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ हमें लेके जाएंगे वर्णाश्रम की तरफ हमें लेके जाएंगे वर्ण और आश्रम मतलब कि सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्था मन प्रस्ताव संन्यास ये सिस्टम जो है फॉलो इसको करो और भगवान को अपना गोल बनाओ तो फिर ये वर्णाश्रम की कैटेगरी में आ जाता फिर यहाँ पर आप बता रहे हैं कि स्ट्रिक्टली आजकल कोई फॉलो कर नहीं पाता करता नहीं और इसकी वजह से क्या हो रहा है जो आने वाली जनसंख्या है वो ज्यादातर सारी की सारी लोअर कॉन्शियसनेस की है चार लाख स्पीशीज हमने देखा ना फोर हंड्रेड थाउजेंड स्पीशीज उनमें ज्यादातर प्रत कह रहे हैं मेजोरिटी यहाँ पे वो नराधमा है लोअर तो आगे देखते हैं और क्या बता रहे हैं आप कंटिन्यू करोगे पढ़ना yes when the whole when the whole when the whole population become naradma natu naturally all their so-called education is made null and void by all powerful energy of physical nature According to the standard of Gita, a learned man is he who sees on equal terms the learned Brahma, the dog, the cow, the elephant, and the dog eater. This is the vision of a true devotee. Sri Nityananda Prabhu, who is the incarnation of Godhead as divine master, delivered the typical Naradmas, the brothers ja Jagai and Madhai. and showed how the mercy of real devotee is bestowed from the lowest of mankind. So the Naratma, who is condemned by the personality of Godhead, can again revive his spiritual consciousness only by the mercy of a devotee. Hare Krishna. Thank you very much for reading. तो यहाँ बता रहे हैं कि सबके सब जब नराधमा हो जाते हैं जब लोप कॉन्शियसनेस हो जाती है पॉपुलेशन की तो उनकी फिर जो एजुकेशन भी होती है वो कोई खास वैल्यूएबल होती नहीं है क्योंकि अभी वो बिल्कुल लो लेवल की कॉन्शियसनेस हो गई है तो हर चीज में आप देखो साइंस साइंस की बहुत अच्छे एस्पेक्ट भी हैं और बुरे एस्पेक्ट भी हैं तो अगर कोई कहे भाई इज साइंस गुड और इज साइंस बैड तो आप क्या जवाब दोगे बोथ बोथ यस तो डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो उसको जैसे एक नाइफ है नाइफ इज गुड और नाइफ इज बैड इट डिपेंड्स ऑन हूज हैंड द नाइफ इज इन है कि नहीं अगर एक माँ के हाथ में है चाकू तो वो बच्चे के लिए अच्छे अच्छे खाना बना सकते हैं उससे एक सर्जन के हाथ में है नाइफ तो वो सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं बीमारी को लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति के हाथ में है आ, किसी चोर डाकू के तो वो जान ले सकता है तो उसी तरीके से साइंस या एजुकेशन इन जनरल वो किसके हाथ में है उसकी क्या कॉन्शियसनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन जो मॉडर्न वर्ल्ड में हमें मिल रही है या दी जा रही है उसकी एक्चुअली तब तक वैल्यू नहीं है जब तक हमें ये हम बिल्ड नहीं कर लेते कैरेक्टर उन लोगों का जिनको ज्ञान दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है उनके हमारे लिए कि कैरेक्टर और वैल्यूज बिल्डअप की जाए नेक्स्ट जनरेशन की अदरवाइज कोई एजुकेशन के अच्छे परिणाम होना जरूरी नहीं है खराब भी परिणाम हो सकते ठीक है तो कह रहे हैं कि ऐसी सो कॉल्ड एजुकेशन इज मेड नल एंड वर्ट तो यहां बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड भगवत गीता एक पंडित उसके क्या लक्षण है उसके क्या सिम्टम्स हैं एक पंडित के कौन बताएगा किसी को श्लोक याद है भगवत गीता में से क्या है पंडित के लक्षण क्या बोलता है गीता

तो ये पंडित के लक्षण है भगवत गीता में बताया गया कि कैसे वो सबको समान दृष्टि से देखता है वो भेदभाग नहीं करता वो नहीं कहता तुम ब्राह्म तुम शूद्र हो हम ब्राह्मण है हाथ मत लगाना नहीं वो सबको समान दृष्टि से देखता है और हर एक के लिए एक हर एक के अंदर एक देखता है लिविंग एंटिटी पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा वो देखता है कि सब लोगों को भगवान का भक्त बनाया जा सकता है चाहे कोई किसी भी लेवल पे हो वो अगर जानवर को भी देखता है तो भगवान का अंश देखता है उसमें और ये देखता है कि कैसे भगवान के पवित्र नाम इनको भी सुनने को मिले इसलिए वो भगवान का नाम के गुण गाता है चैंटिंग करता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो ये विजन है असली भक्त की ट्रू डिवोटी की फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नित्यानंद प्रभु का अब नित्यानंद प्रभु आप लोगों को कई लोगों को पता है उनको नित्यानंद प्रभु बलराम का इनकारनेशन और लॉर्ड चैतन्य जो है वो कृष्णा का अवतार है तो कृष्णा और बलराम अब नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला इनको कि आप जाओ और सबको भगवान के बारे में बताओ कृष्णा के बारे में नित्यानंद प्रभु ने कहा अच्छा बहुत अच्छा आइडिया है मैं जाता हूँ तो ये अपनी टीम लेके जाते थे और भी इनके साथ थे लोग इनको पता लगा ये दो जो लड़के हैं बहुत ज्यादा गंदे हैं उनका नाम है जगाई और मधाई तो उन्होंने कहा ये जो गलत लोग हैं ना इनको भगवान का अगर हम नाम देंगे और इस ये अगर सुधर जाए तो शोर शॉर्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये भगवान का नाम तो बहुत शुद्ध है और सभी लोग लेंगे जैसे मान लो अगर आप जाते हो आ, कई बार टीवी में दिखाते हैं कि एडवर्टिजमेंट आई उन्होंने लिए दो कपड़े लिए दोनों बहुत गंदे हैं तो वो बहुत ज्यादा गंदा जब कपड़ा लेते हैं और उसको अपने डिटर्जेंट में धोते हैं और धो के वो चमकने लग जाए जब तो प्रूव हो जाता है देखो इतना गंदा कपड़ा था ये उससे भी ज्यादा गंदा कपड़ा था और अभी देखो बिल्कुल एकदम शाइन कर रहा है प्योर हो गया है तो फिर लोगों को विश्वास हो जाता है हाँ यार ये डिटर्जेंट यह ना ये कमाल का तो उसी तरह से उन्होंने कहा देखो गंदे से गंदी टी शर्ट जैसे उसमें ढूंढ रहे थे या गंदे से गंदे लोगों को ढूंढ रहे थे तो ये क्लासिक अः मिले उन्हें जगाई और मधाई उन्होंने कहा ये सबसे गंदे लोग मिले हैं इनको देंगे भगवान का नाम और जब ये सुधर जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा पूरी दुनिया में देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है फिर सब लेना चाहेंगे तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने अप्रोच किया जगाई और मधाई को हालांकि जगाई मधाई ने उनको अच्छे से रिसीव नहीं किया मारा लेकिन नित्यानंद प्रभु जो थे वो भगवान के सेवा में लगने के लिए जो लिविंग एंटिटीज है उनको भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा नित्यानंद प्रभु वॉज रेडी टू तो बी बीटन उनको ये था कि वो मुझे मार रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन भगवान का नाम जो है वो इनको देना है तो ऐसे जो भक्त हैं ऐसे जो डिवोटीज हैं ऐसे डिवोटीज की कृपा से जो है भक्ति मिली जा सकती है ओके नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ इसने भी हाँ माता जी पढ़ी श्री चर श्री चैतन्य महाप्रभु इज प्रोपेगेटिंग द भागवत धर्मा Or activities of the devotees has recommended that people submissively hear the message of personality of Godhead. The essence of this message is Bhagavad Gita. The lowest among human beings can be delivered by this submissive hearing process only. But unfortunately, they even refuse to give an oral reception to these messages. and what to speak of surrendering to the will of the supreme lord naradhams or lowest of mankind will fully neglect the prime duty of the human being are you should i okay thank you for reading to yahan pe bata rahe hain ke chaitanya mahaprabhu jo hai unhone ये भागवत धर्म इसको स्प्रेड किया और उसमें रिकमेंड किया कि सब ध्यान पूर्वक भगवान के बारे में सुने भगवान का जो मैसेज है वो सुने भगवत गीता जैसे ये मैसेज है भगवान का इसको सबको सुनना चाहिए और जो व्यक्ति इनकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा लो है वो एडवांस हो सकते हैं हियरिंग से और वो बहुत हाई कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं सिंपली बाय सुनने से और अगर इस इसको सुन के आप बोलो और बाकियों के साथ शेयर करो फिर तो आपको जो कृपा मिलेगी उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते तो इसलिए नराधमा के बारे में हमने बड़े सारे सिम्टम्स देखे लेकिन उनका फिर उनके लिए होप क्या है उनके लिए होप ये कि भगवान के बारे में सुने और भगवान के बारे में बोले और अगर ये करेंगे तो वो लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पे आ जाएंगे ह्यूमन ठीक है ना तो नराधमा से उत्तम भक्त बन जाएंगे तो ये प्रोसेस है ऑल राइट सो हमारे यहाँ नराधमा खत्म हो गया अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे लेकिन पहले किसी का कोई क्वेश्चन कॉमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले लेंगे हमने यहां से पढ़ा कि कई लाख स्पीशीज हैं उसमें से सबसे लोएस्ट लेवल पे जो है अनसिविलाईज लोग जो बिल्कुल भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते रुचि नहीं रखना चाहते वो नराधमा है और ऐसे व्यक्ति चाहे कहीं पे भी उनका बर्थ हो उससे मतलब नहीं है उनकी कर्म कैसा है उनके कॉन्शियसनेस कैसी है उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उसके बेसिस पे उनको नराधमा कहते हैं और जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं जो डिबोटीज हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो ये शेयर करें नॉलेज भागवत की भगवत गीता वगैरह की जिससे ये नराधम है इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए अब नेक्स्ट पे जाएंगे हम थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान की तरफ नहीं आ रहे हैं उनका नाम है माये या ज्ञाना तो कौन पढ़ेगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास माया कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए प्लीज कंटिन्यू हाँ आप कंटिन्यू करोगे अच्छा प्लीज The next, next class of Dushkriti is called Maya Prahada Janan, or those persons whose erudite, erudite knowledge has been nullified by the influence of illusory material energy. They are mostly very learned fellows, great philosophers, poets, literalists, scientists, etc. But the illusory energy, बताया गया कौन है ये इनका नाम है कृष्णा कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है मायापरित मतलब कि माया ने इनकी बुद्धि हर लिया है माया ने इनकी इतनी बुद्धि हर ली है कि हालांकि ये बहुत बड़े बड़े लर्नेड सोसाइटी uh, में लोग होते हैं जिनको देखने से लगता है अरे ये तो इनको तो बहुत नॉलेज होगी ये तो फिलोसोफर हैं पोएट हैं हैं बहुत नॉलेज है, 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 है इनमें तो लगता है कि काफी इनमें नॉलेज होगी लेकिन एक्चुअली क्या होता है माया ने इनकी बुद्धि को हर लिया होता है और माया ने बुद्धि को हर लिया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि उनको एक पर्सपेक्टिव से ही वो देख सकते हैं सोसाइटी को वो इसी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये किसी ना किसी कारण की वजह से तो हो रही हैं, लेकिन इसमें कहीं भगवान नहीं है वो इस कंक्लूजन में आ जाते हैं। और वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कैसे भगवान की एग्जिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है तो अलग अलग थ्योरीज आती हैं उनकी कि कैसे सृष्टि बनी थी कैसे क्या बना था कैसे ये हुआ होगा वो हुआ होगा अलग अलग चीजें मतलब किसी ना किसी तरह से उनको ऑल्टरनेटिव रास्ता चाहिए भगवान से तो ये माया ज्ञान की कैटेगरी है अभी और देखते हैं इसमें फिर हम और डिस्कशन करेंगे तो कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ जिसने अभी तक नहीं पढ़ा नेक्स्ट टू पैराग्राफ पढ़ सकते हैं आप फिर हम क्विकली माया पर खत्म करके डिस्कस दिस एंड देन वी फिर फोर्थ कैटेगरी हम कल करेंगे ओके

There is none equal to the greater than him. He is mentioned as the father of Brahma, the original father of all human beings. In fact, Sri Krishna is said, to, is said to be not only the father of Brahma, but also the father of all species of life. He is the root of the impersonal Brahman and Paramatma. The, sup the super soul in every entity is his plen plenary portion. He is the fountainhead of everything, and everyone is advised to surrender unto his lotus feet. Despite all these clear statements, the Maya Srinana deride the personality of the Supreme Lord and merely another human being. They do not know that the blessed form of human life is designed after the eternal and transcendental feature of the Supreme Lord. Okay, thank you very much. All the unauthorized. तो हम ये पैराग्राफ डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट पे चलेंगे इज दैट ओके यस यस तो पहले सबसे माय ज्ञान की कैटेगरी में फिलोसोफर ऐसे हैं जो खुद ही भगवत गीता लिखना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर कमेंट्री देखते हैं हालांकि उन्होंने ठीक से इसकी ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन फेमस होने के लिए किसी ने थोड़ी संस्कृत पढ़ ली उसको दिखाना है कि देखो मेरे को संस्कृत आती है मैं तो भगवदगीता को भी ट्रांसलेट कर सकता हूं या फिर कोई अपने आप की खुद की फिलॉसफी को है उसको प्रोपोगेट करना चाहता है तो कहता है गीता के माध्यम से करूँगा वो तो ज्यादा बेटर रहेगा तो ऐसे भगवत गीता को अप्रोच करते हैं हालांकि उनको खुद समझ में नहीं आई गीता और गलत इंटरप्रिटेशन दे देते हैं और भगवान के बारे में नॉलेज तो क्या देनी है भगवान को हटाई देते हैं गीता से और इतने गलत गलत भगवत गीता की इंटरप्रिटेशन करके लाते हैं जो आम लोगों के लिए बहुत खराब हो सकती है इसीलिए हमें सोच समझ के भगवत गीता पढ़नी चाहिए कि किसने लिखी है जो सही मायने में ऑथर हैं जो कृष्णा भगवान के बारे में बता रहे हैं ऐसे लोगों से हमें सीखनी चाहिए कि कैसे भगवत गीता की ट्रांसलेशन अब देखो प्रभुपाद ने जो हम भगवत गीता पढ़ने उसमें एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन है और पूरी स्कॉलरली ट्रांसलेटेड आए और आ भी परंपरा में से रही है तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए भगवान के बारे में बोले वो परंपरा में वो नॉलेज आए कि जिसको मिल रही है वो नॉलेज उसने कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए गीता की बिना ट्रेनिंग के ना आए आप बोल सकते हैं अगर अपने आप आपने संस्कृत सीख के सोच रहे हो कि आप कृष्ण और अर्जुन की बात आपको समझ में आ जाएगी तो ये सिर्फ एक मूर्खता है तो ऐसे लोग माया परितज्ञाना की कैटेगरी में आते हैं तो उनको ट्रेनिंग अगर हो गई फिर वो जान सकते हैं कि क्या बात हो रही है क्या आ, शास्त्रों में सही मायने में आ, क्या डिस्कशन चल रहा है इसकी बहुत प्रोफाउंड नॉलेज उसको मिल सकती है तो ये पहली कैटेगरी की बात करी है कि कैसे भगवान को वो जानता है सॉरी माया परितज्ञान भगवान को नहीं जानता है और ये भी नहीं समझ पाता है कैसे भगवान इज द ग्रेटेस्ट कोई भी उनसे ऊपर नहीं है और ब्रह्मा जी को भगवान का फादर भी कहा गया है और हर स्पीशी का फादर कहा गया भगवान को ब्रह्मा जी का भी और सारे लिविंग एंटिटीज का सर्व योनि शुकौत मूर्तिया संभवंता ब्रह्म अहम बीजा प्रदापिता तो इसलिए वो रूट है हर चीज का भगवान तो भ्रमण परमात्मा ये सब तो भगवान से ही आ रहे हैं। और जो परमात्मा है सब लोग भगवान का ही अंश है पार्ट है जो परमात्मा के रूप में पूरी पोटेंसी होती है उनके पास भगवान की और वो हर एक के हृदय में आत्मा के साथ रहते हैं परमात्मा <coughs> तो ये सारी चीजें क्लियर है शास्त्रों में लेकिन माया परित्ञान है वो समझ नहीं पाते इनको वो सोचते हैं भगवान एक यू you नो know, एक अच्छा इंसान था कृष्णा तो वो ये ही सोच के रह जाते दे डू नॉट नो द ब्लेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिजाइन आफ्टर द इटर एंड ट्रांसजेंडल फीचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड तो ये ह्यूमन लाइफ जो है ये डिजाइन इसलिए कि भगवान की सेवा में लग सके okay, last paragraph, aditi, you'll continue. yes, yes, i can continue. Hmm. all the unauthorized interpretations of the gita by the class of Mahaprata Jannana outside the purview of the parampara system are so many stumbling blocks on the path of spiritual understanding. the deluded interpreters do not surrender unto the lotus feet of Sri krishna, nor do they teach others to follow this principle. Uh, Harib. Harib. तो यहाँ पे अनऑथोराइज इंटरप्रिटेशन का डिस्कशन किया ना हमने कि जो भगवत गीता की अनऑथोराइज इंटरप्रिटेशन करते हैं परंपरा में नहीं होती है ऐसे लोग भी जो है वो भगवत गीता समझाने की जगह क्या है भगवत गीता की मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों के लिए और मुश्किल कर देते हैं भगवत गीता को समझना और लोगों को समझाने की जगह अपनी स्कॉलरशिप दिखाने के लिए या अपना नाम बड़ा करने के लिए या दूसरे दूसरे रीजन्स की वजह से वो भगवदगीता के ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं तो ऐसे इंटरप्रिटेश के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए ओके, okay, तो हम लास्ट वाला जो सेक्शन है वो अब कल करेंगे यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं अब भगवान ने जो यहाँ पे ट्रांसलेशन में बोला था मैं ट्रांसलेशन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ सबके लिए भगवान ने क्या बोला है कि ऐसे व्यक्ति जो दोस्क्रियर ग्रॉसली फुलिश Who who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion and who partake the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. तो जो बिल्कुल ही मूर्ख होते हैं नराधम होते हैं माया परित होते हैं ऐसे लोग जो हैं, वो भगवान की शरण में नहीं, नहीं आते और चौथी कैटेगरी क्या, क्या है जो आसुरम भावम है जिनमें आसुरी प्रवृत्ति है तो ये आसुरम भावम हम कल पढ़ेंगे ऑल राइट right. तो किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप कभी भी मुझे बता सकते हैं अदरवाइज वील एंड इट हियर क्लियर हो रहा है सबको किसी का कोई फिलोसफिकल uh, डाउट uh, हो अगर आप तो आप अभी पूछ लो प्रविज कैन आई आस्क द क्वेश्चन हां जी पूछिए तो uh, प्रविज कई बार हम जैसे लोगों को बोलते हैं ना कि आप की शरण लो है ना और आप भगवान का नाम तो वो कहते हैं कि शरण में तो मैं ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं मानते हम भी कृष्णा को मानते हैं हम भी भगवान को मानते हैं लेकिन अगर आप ये कि ऐसे कम्प्लीटली सरेंडर करो या ये सब करो मतलब जो भी आप फॉलो करते हो अगर हम उसका थोड़ा करते हैं पूरा नहीं करते तो अः तो उन लोगों की कौन सी क्या स्टेज है प्रभु जी उनको एग्जैक्टली exactly कैसे मतलब समझाया जाए कि नहीं यही करने कोई हरे कृष्णा थैंक यू माता जी फॉर तो नए लोग जो लोग अभी भगवत गीता को अच्छे से पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं आया है और वो थोड़ा थोड़ा मानते हैं ज्यादा नहीं मानते हैं ऐसे लोगों के साथ पेशेंस बहुत जरूरी है उनको भी पेशेंटली रेगुलर आना पड़ेगा और आपको भी पेशेंटली उनको इंकरेज करना पड़ेगा जनरली कोई किसी के बोलने से कुछ करता नहीं है अब देखो हमारे यहाँ पे ग्रुप है हमने ग्रुप बनाया हम मैसेज डाल देते हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो ही आते हैं तो ऐसा बेटर है कि हम उन लोगों के साथ शेयर करें भगवान की बात जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है जो इंटरेस्टेड नहीं है अनइंटरेस्टेड को इंटरेस्टेड बनाना उसके लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है और वन टू वन इंटरेक्शन और उसमें भी आपको पर्सनली उनके सवाल जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे और फिर अगर वो स्पिरिचुअली थोड़े से इंक्लाइंड हैं तो वो देखना बड़ी जल्दी एडवांस करेंगे अगर वो बिल्कुल ही इंक्लाइंड नहीं है अभी उनको टाइम चाहिए अभी वो कच्चे हैं तो कच्चे फल जो हैं उनसे बहुत मीठे जैसे कच्चे आम है उससे बहुत मीठा खोल के टेस्ट आप तो मीठा मत रखो टाइम दो और उस टाइम के अंदर उसका अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए तो अच्छे एनवायरमेंट में अच्छा में वो भी पक जाता है उसी तरह से जो तो डिबोटी है वो अच्छे एनवायरमेंट में रहेंगे धीरे धीरे तो पक जाएंगे यहाँ पे जनरली ऐसे लोगों के बारे में वर्णन है जो भगवान को सरेंडर नहीं करते भगवान को नहीं मानते नहीं जाना चाहते भगवान की शरण अभी दूसरा श्लोक नेक्स्ट वाला आएगा उसमें आपको और कैटेगरी के लोग भी मिलेंगे तो ये दोनों श्लोक हम पढ़ लेंगे फिर देखते हैं अगर आपको फिर भी डाउट रिमेनिंग है तो हम उसको वी कैन डिस्कस ठीक है you, you, right. तो किसी और का कोई क्वेश्चन सी फाइव क्यू डी सी एम आप कुछ पूछना चाहते हैं बड़ा साइंटिफिक नेम लगाया है ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा मुझे लगा ये भव्य का नाम है सी फाइव क्यू डी सी एम नो नो बट आई वांटेड टू ऐड टू योर आंसर विच यू जस्ट सेड इफ वी डोंट इफ वी डोंट

तो भी वो एडवांस नहीं करेंगे तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे मैं शेयर करूं ताकि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो तो तो उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे है जैसे कई लोगों को म्यूजिक अच्छा लगता तो आप उनके साथ म्यूजिक कीर्तन शेयर कर सकते हो उनको बहुत अच्छा लगेगा कीर्तन वो कीर्तन सुन लेंगे लेकिन उनसे बुक्स नहीं पढ़ी जाती वो प्रोग्राम में नहीं आ सकते फिर ऐसे कुछ लोग हैं उनको खाना बड़ा अच्छा लगता है उनको प्रसाद आप दो तो बस वो प्रसाद से भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे लेकिन बाकी चीजें उनसे मत करवाओ तो अलग अलग लोगों को स्टडी करना पड़ेगा आपको कि क्या उनकी इंक्लिनेशन है और उस तरीके से देना पड़ेगा सबके लिए एक ही रास्ता जरूरी नहीं है आप क्यूरियस हो आप इंटेलेक्चुअल हो आपको भगवान के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है और आप भगवान की से द्वेष नहीं करते इसलिए आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में आना भगवत गीता पढ़ना समझना डिस्कशन करना ये अच्छा लग सकता है लेकिन कई लोग हैं उनको भगवान से द्वेष है अभी वो समझते नहीं है कि भगवान उनके हितैषी हैं वो सोचते हैं कि नहीं वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं कई लोग तो ऐसे लोगों को अगर आप बोलोगे भी सीधा तो डायरेक्टली वो स्थिति में ना हो कि समझ पाए लेकिन हमें हाँ बोलना तो जरूर है ऐसा नहीं है कि नहीं बोलना लेकिन साथ में रेडी रहना है कि कुछ लोग लेंगे इसे कुछ लोग नहीं लेंगे जो लोग इसको नहीं लेंगे उसके लिए दूसरा अप्लाई करेंगे है कि नहीं क्रिकेट खेलते हो आप क्रिकेट भव्य क्रिकेट खेला आपने यस 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 क्रिकेट में डिपेंड करता है बॉल कैसे आ रही है उस पर डिपेंड करता है बैट्समैन कैसे मारेगा अगर बॉल फ्रंट फुट पे खेलनी है तो आगे फ्रंट फुट पे आगे निकाल देगा वो यॉकर आ रही है तो उसको उसी हिसाब से खेलेगा बाउंस आ रही है तो उसमें एडजस्ट करेगा तो प्रीचिंग या शेयरिंग भगवत गीता मैसेज इज लाइक प्लेइंग क्रिकेट हमेशा रेडी रहना होता है एडजस्ट होने के लिए कहाँ कैसे आएगी बॉल पता नहीं तो उसी तरह से आपको कौन मिलेगा आपको पता नहीं है आपको सारे अपने टूल्स रेडी रखने पड़ेंगे सारे वेपन्स रेडी रखने पड़ेंगे और भगवान से जब आप प्रार्थना करोगे तो भगवान आपके मुंह से एग्जैक्टली वही शब्द निकालेंगे जिससे सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाए क्योंकि चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो परमात्मा उसके हृदय में है ऐसा नहीं है भगवान इन चार लोगों के कैटेगरी में नहीं है जो भगवान को सरेंडर नहीं होना चाहते इनके हृदय में भी है परमात्मा और आप कितनी सीरियसली भगवान के बारे में उनको बताना चाहते हो आपका कितना फेथ स्ट्रांग है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है आपके अंदर कितनी प्योरिटी है शुद्धता पवित्रता है कितने आप ईगर हो भगवान की सेवा में लगने के लिए और भगवान को शेयर करने के लिए उस पर डिपेंड करेगा आउटकम ऑफ द कॉन्वर्सेशन अगर आप दिखाना चाह रहे हो सामने वाले को प्रूव करने के लिए मैं मैं ज्यादा सही हूँ आपसे ये देखो ये लिखा है भगवत गीता में तो ये एटीट्यूड जो है ये सही एटीट्यूड नहीं सही एटीट्यूड सेवा का एटीट्यूड होता है कि हमें सही मायने में सेवक के रूप में लोगों की सेवा करनी है कि इतने सारे लोग जो है वो बेचारे इस नॉलेज को ना जान के इतनी खराब खराब स्थिति में है तो हम अगर ये नॉलेज शेयर करेंगे उनसे तो उनकी भी लाइफ सुधरेगी और सारा सारी धरती जो है वो अच्छी जगह बन जाएगी लोगों के रहने के लिए तो इस कॉन्शियसनेस में जन कल्याण के लिए जब आप भगवान के बारे में शेयर करते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो तो धीरे 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 आप देखोगे कि जो एग्जैक्ट चीज सामने वाले को सुननी है भगवान वही आपसे बुलवाएंगे समझ में आ रहे yes. लेकिन आपको रेडी होना पड़ेगा कि हर बारी ऐसा नहीं होगा कि हर एक व्यक्ति जो है वो आपकी बात से एग्री करे कई बार ऐसा होगा ना कि तो वो नहीं करेंगे नो no प्रॉब्लम आप अपने हाथ अच्छा सा प्रसाद रखो प्रसाद दो उनको ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच ओके और किसी का कोई क्वेश्चन कोई और शेयर करना चाहेगा कोई पॉइंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं नताशा जी आप शेयर करना चाहेंगे कोई कोई थॉट्स या और शेयर करना यहाँ पे ओके तो हम ये भी स्टॉप करते हैं थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ग्रंथ राज भगवत गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय